इस वीडियो के पार्ट वन में हमने ये समझने का प्रयास करा था कि कैसे अमेरिका के ब्लैक्स और भारत के मुस्लिम्स को कंपेयर करना एकदम गलत है। हमने यूएस और यूरोप में ब्लैक्स पर हुई क्रूर प्रताड़ना को समझने का प्रयास करा और यह भी जानने का प्रयास करा कि भारत में मुस्लिम्स की क्या हालत रही थी इतिहास में, और फिर अमेरिका में ब्लैक्स लाइफ मैटर कहना एकदम सही है लेकिन मुस्लिम लाइफ मैटर का उद्देश्य केवल भारत में फिर से दिल्ली वाले दंगे करवाने थे। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उस पार्ट का लिंक मिल जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। भारत में मुसलमान के प्रताड़ित होने की जितनी भी आप खबरें सुनते हैं वो महज केवल एक मिथक है जो पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट, इंटेलेक्चुअल्स द्वारा सालों दर साल बुना गया है और जो अभी तक अंग्रेजों की डिवाइड और रूल थ्योरी के कट्टर समर्थक हैं। आज हम सब जानते हैं कि भारत में करीबी हर स्तर पर मौजूद है और ये हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक समान है। मैंने अपने इस वीडियो में बताया है कि कैसे भारत में गरीबी को रखा गया है। हिंदू या मुसलमान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन दोनों ही समुदाय के लोग राजनीतिक और वैचारिक प्रणाली के शिकार हैं, लेकिन मुस्लिम वर्ग की दुर्दशा को ज्यादा हाईलाइट करा जाता है हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास द्वारा। ये एक कड़वा सच है भारत का कि जिसमें लोकतंत्र का यूज मेजोरिटी में मौजूद हिंदुओं के खिलाफ यूज करा जाता है, क्योंकि जब एक पार्टी द्वारा लगातार मुस्लिम्स को विक्टिम के रूप में दिखाया जाता है तो ऑब्वियसली माइनॉरिटी उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो उनके राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए जब एक सिख पीड़ित होता है, एक हिंदू पीड़ित होता है और एक बुद्धिस्ट पीड़ित होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक मुसलमान पीड़ित होता है तो एकदम से पहाड़ टूट जाता है, आसमान फट जाता है, इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा होने लगती है, लोग कहने लगते हैं कि कितना भयानक देश है भारत कि जहां पे मुसलमानों के साथ ऐसी बारबेरिक हरकत हो रही है, हम लोग तो लाखों गुना ज्यादा इन लोगों से अच्छे हैं। सच्चर कमीशन की एक रिपोर्ट बताती है कि मुस्लिम वर्ग सभी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में सबसे कम विकसित कम्युनिटी है, और ये रिपोर्ट तब निकाली गई थी जब हमारी सो कॉल्ड सेक्युलर गवर्नमेंट यूपीए पावर में थी। मतलब देश भर की सारी सेक्युलर सरकारों को कौन रोक रहा था मुस्लिम्स की दशा को सुधारने के लिए? वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार के सभी राज्यों में सालों तक मुस्लिम फ्रेंडली सेक्युलर सरकार रही है, तो फिर क्यों वहां पर मुस्लिम्स की हालत इतनी खराब है? सच तो यह है कि ये लोग कभी भी मुस्लिम्स की भलाई करने के लिए उनका साथ नहीं दिया करते थे, क्योंकि अगर वहाँ पर मुस्लिम्स की कंडीशन सही हो गई होती तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, लेकिन इसके बाद इनका सत्ता में बने रहना खतरे में पड़ सकता था। वहीं जब एक जैन बेकरी द्वारा जैन सामान को बेचने और नो मुस्लिम स्टाफ रखने का जब एड चलाया जाता है तो उस पर आईपीसी के अंडर धारा 153 लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन मुस्लिम द्वारा हलाल सर्टिफाइड मीट को खरीदना और केवल मुस्लिम के द्वारा ही उसे बेचने पर कोई धारा नहीं लगाई जाती, और ये हाल तब है जब सत्ता में हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है। मतलब 15% आबादी द्वारा चलाई जा रही हलाल सर्टिफिकेशन 85% आबादी पर थोपी जा रही है और इस पर कोई भी आपत्ति नहीं जताई जाती। मस्जिदों, चर्चों और गुरुद्वारों को इन्हीं के कम्युनिटी के लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन सभी मंदिरों को सरकार कंट्रोल करती है। जितना भी पैसा गिरजाघरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों से निकलता है वो इन्हीं के बोर्ड मेंबर्स और कमेटी की जेबों में जाता है, लेकिन जितनी भी धनराशि हिंदू मंदिरों से निकलकर आती है वो सरकार के हाथ में जाती है, और फिर वो पैसा सरकार मुस्लिम अपीसमेंट स्कीम में लगाती है ताकि मुस्लिम्स माइनॉरिटी को लाभ हो सके। ये धर्मनिरपेक्ष नियम सेकुलर पार्टीज ने लगाया था, लेकिन आज की राष्ट्रवादी सरकार भी इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाती। जितने भी अल्पसंख्यक स्कूल और शिक्षा स्थान हैं वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंडर नहीं आते, लेकिन जितने भी हिंदुओं के सारे स्कूल और शिक्षा स्थान हैं वो आते हैं। सरकार केवल उन्हीं स्कूलों को अपना निशाना बनाती है जो हिंदू समाज द्वारा चलाया जाता है, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में हाथ पे मेहंदी या राखी पहनने पर जब फाइन लगाया जाता है तो उस पर कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। जहां आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को खुली छूट देता है उनकी मर्जी का स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, वहीं अमेंडमेंट 93 हिंदुओं के सारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को छीन लेता है अपनी मर्जी का स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। इसमें कोई संदेह नहीं कि जितने भी हिस्ट्री, सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनकी किताबों में हिंदुओं को विलन और मुस्लिम्स को अच्छा दिखाया जाता है, बताया जाता है कि कैसे हिंदू बर्बाद था लेकिन मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो सिविलाइज हो गए।
ये तो आपको याद ही होगा कि अभी कुछ दिनों पहले केरला में एक गर्भवती हथनी को अनानास या नारियल में जलता पटाखा रखकर खिला दिया जाता है कुछ लोगों द्वारा, जिसके बाद वो पटाखा उस हथनी के मुंह में फट जाता है और हफ्ता भर दर्द में तड़पने के कारण उस हथनी की मौत हो जाती है। पुलिस रिकॉर्ड की बात करें तो पटाखे से भरा फल बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था पी विल्सन और वो एक क्रिश्चियन था, और उस मनहूस फल को हथनी को देने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था अब्दुल राशिद और दूसरे का नाम था रियासुद्दीन। यहाँ पर कोई भी कम्युनल या रिलीजियस एंगल नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन फिर भी आप इस इमेज को देखिए जो सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रही थी, जिसमें एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है लॉर्ड गणेश को लड्डुओं का भोग लगाता और वहीं दूसरी तरफ वो उस अनानास जो पटाखे से भरा था उसका भोग लगाता दिखाई पड़ता है भगवान गणेश को, ताकि लगे कि एक हिंदू जिम्मेदार है उस हथनी की मौत का। जिसने भी ये इमेज बनाया है वो बड़ा शातिर था, क्योंकि उसने बड़े शातिर तरीके से इस इंसान को जनेऊ पहना दिखाया है ताकि सारा ब्लेम हिंदुओं पर आ जाए और दुनिया हिंदुओं पर थू-थू करे। आप देख रहे हो यहाँ पर कि किस तरह का हिंदू फोबिया प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है हिंदुओं को बदनाम करने का अपने ही देश में। मतलब कितनी घटिया और सिख मानसिकता रही होगी ऐसे लोगों की जो इस तरह का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। अब आप देख ही सकते हो यहाँ पे कि कौन असली विक्टिम है और कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। ये पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ही मुस्लिम्स रन करते हैं। पिछले 3 दशकों से जितने भी बड़े कलाकार हैं वो मुस्लिम हैं, जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो मुस्लिम हैं। ये मुस्लिम फिल्म स्टार्स और मुस्लिम राइटर्स और इंटेलेक्चुअल्स हमेशा लगातार दूसरी कम्युनिटीज़ के लोगों को दोष दे देते हैं और कहते हैं कि कैसे इन्होंने मुस्लिम्स को खौफ में रखा हुआ है। मुस्लिम कल्चर बहुत अच्छा है और वहीं हिंदू कल्चर एकदम बर्बाद है। उर्दू को इंग्लिश का दर्जा दे रखा है और वहीं लोगों को प्योर हिंदी बोलने में शर्म आती है। एक मुस्लिम राइटर लगातार हिंदू धर्म का अपमान करता रहता है ये कहकर कि मैं एक एथिस्ट हूँ और रिलीजन्स में विश्वास नहीं रखता, और ऐसे राइटर को मेजॉरिटी में हिंदू फॉलो करते हैं। हमारी आज की सरकार ने एक नियम ही तो बनाया था पड़ोसी मुस्लिम देशों की माइनॉरिटीज़ के लिए, इतना ही करने पर लोगों को काट कर फेंक दिया गया, प्रॉपर्टीज जला दी गई। मतलब इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसी हो गई इस बात पर दंगा फसाद करने की, जिसमें मुस्लिम्स का नाम तक नहीं लिया गया। मार्क टली एक बीबीसी के जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अपना मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ही बिताया है। वो भारत के मुसलमानों के बारे में ये कहते हैं कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर मच लकियर देन मुस्लिम इन द इस्लामिक कंट्रीज बिकॉज इन इंडिया दे कैन वर्शिप इन एनी इस्लामिक ट्रेडिशन। भारत में अगर आपका राजनीतिक दबदबा नहीं है और आपके पास अच्छे कनेक्शंस नहीं हैं तो आप विक्टिम हो। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपको ह्यूमिलेट करा जा सकता है, आपको पीड़ित करा जा सकता है, आपका अपहरण हो सकता है, आपको बीच सड़क पर लिंच करा जा सकता है जैसे कि पालघर में साधुओं के साथ हुआ था, आपकी प्रॉपर्टी को हड़पा जा सकता है, आपका रेप हो सकता है, आपको अपने ही देश में रेफ्यूजी बना दिया जा सकता है। इस तरह ये पूरा खेल रचा गया है जिसमें आम इंसान हमेशा स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी में बना रहता है। इसका मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, नमस्कार।